वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। तो आज हम आए हुए हैं गुलगश्त, और गुलगश्त में हम आए हुए हैं एक बड़ी ज़बरदस्त चीज़ खाने को। वो क्या है भाई? चिकन शवारमा। चिकन शवारमा, और उसमें तीन किस्म की वैरायटी है, चिकन शवारमा, चीज़ शवारमा और पराठा रोल। अचारी पराठा, अचारी शवारमा भी है, वो भी आप लोगों को दिखाते हैं। तो गुलगश्त में है, बाटा चौक के ऊपर ये शॉप है, किसी को विजिट करना तो आप कर सकते हो। तो ट्राई करते हैं कि कैसा शवारमा इनका, लोकल फूड अभी हमने ट्राई करना है। आगे आपको तकरीबन मोस्टली लोकल फूड की सीरीज मिलेगी, तो इंशाल्लाह ट्राई करते हैं ये भी। मिल्क ट्राई अच्छा होगा, मैंने तो पहले काफ़ी खाया था, मुल्तान में इससे अच्छा शवारमा नहीं बना था कोई। मैंने ट्राई नहीं किया, तो मैं फर्स्ट टाइम ट्राई करूंगा, साउथ ने खाया था, तो देखते हैं कि कैसा सीन होने वाला। चलिए भाई से बात करते हैं और पता करते हैं कि भाई कौन कौन से चीज़ें शवारमा बनाते हैं, उनके पास स्पेशल क्या। अस्सलाम वालेकुम भाई, क्या हाल है भाई? ठीक हो जी? गुलगश्त में किस जगह पे शॉप है आपकी? गुलगश्त में किस जगह शॉप है, जरा एड्रेस बता दें। बाटा चौक गुलगश्त। और ये माशाल्लाह कितने टाइम से कर रहे हैं आप? 13 साल हो गए। 13 साल हो गए हैं। और कौन कौन से शवारमा आपके पास भैया? चीज वाला है, सिंपल है और पराठा रोल है बेस्ट आपका। वैसे आप तो कहेंगे सभी बेस्ट है माशाल्लाह से। सबसे ज्यादा जिसकी सेल होती हो? सबकी सेल होती है, सबकी सेल होती है। हम क्या खाएंगे भाई, आप क्या खाओगे? मेरा तो दिल कर रहा है चीज़, मेरा भी दिल कर रहा है चीज़, लेकिन हम एक जाना का पराठा रोल भी ट्राई करते हैं। तो भैया एक चीज़ बना दें और एक पराठा रोल आप बना दें। तो ये काम शाम कर रहे हैं भाई, वहाँ पर पराठा रोल जो है वो तैयार हो रहे हैं, यहाँ पर इनकी डो बनती है, ये डो इनकी यहाँ पर रेडी होती है। तीन तीन काउंटर इन्होंने लगाए हुए हैं, और ये भाई यहाँ पर सेटिंग ये कौन सा शवारमा है भैया? 240 सादा रेगुलर है, ये रेगुलर शवारमा है। आओ जाओ, रश है। अच्छा भाई, शवारमा हमारे आ गए हैं, और साउथ में क्या खोलने लगे हो आप? इनको कौन सा निकलता है इसमें? अभी है पता नहीं, शवारमा तो ऐसे ही खाया जाता है। ये पराठा रोल है? हाँ ये पराठा रोल है। खोल भी लो भाईजान। नहीं खोल रहा हूँ, क्या हो गया, टेंशन ना लो। आपको पता था इसका यही हाल होता है, थोड़ी सी ये मायो मायो की मजीद। बहुत ज़्यादा, मैंने काफ़ी जगह से पराठे को खाया है, लेकिन ना मैं मोस्ट फेवरेट यही है मेरा, दोनों चीजें ट्राई भाई। बेहतरीन जो मैं ट्राई करता हूँ जो मैंने मंगवाया था चीज, मैं तो मजीद कुछ डालूंगा नहीं इसमें। फिलिंग आपके सामने है, अचार वगैरह हर चीज डली हुई है इसमें। बिस्मिल्लाह, हाँ जी, वाकई मज़ेदार है, हर चीज़ का फ्लेवर आ रहा है। चिकन का जो अचार का फ्लेवर है वो भी आ रहा है, चीज़ का फ्लेवर अभी नहीं आया। एक नंबर है, बहुत अच्छा, ज़रूर ट्राई करें भाई। हाँ हाँ, ये चीज़ का टेस्ट आ रहा है, आप भी ट्राई करो। चलो
ये बारी है मेरी, चीज वाला, इसमें ये डालेंगे हम। बहुत ज़्यादा मज़ेदार। तो भाई ये खाना खाने के बाद, शवारमा खाने के बाद आपसे मिलते हैं। तो जी अभी आ गए हम यार इधर, ये फ्राइड चिकन है, इसमें ड्रमस्टिक्स भी है। भाई से पूछते हैं क्या क्या है। अस्सलाम वालेकुम सर, क्या क्या आप बेच रहे हो? चिकन लेग पीस है। अच्छा, चिकन चेस्ट पीस है, चिकन ड्रमस्टिक है, चिकन गर्दन है, चिकन छटी है, चिकन कलेजी है, चिकन दिल है, चिड़ा फिश है। ये कौन सी फिश है? चिड़ा फिश। ये चिड़ा फिश है? हाँ, ये ड्राई फिश, चिड़ा ड्राई फिश, चिड़ा। ये डमरा फिश है, मुझे कांटे वाली। वैरायटी तो अच्छी खासी है। और चिकन थाई बोटी है बगैर हड्डी से, चिकन गर्दन है बड़े वाली, चिकन विंग्स, चिकन लेग पीस, चिकन चेस्ट पीस। अबे क्या खिला रहे हो आप? चिकन ड्रमस्टिक। अच्छा, इसका मसाला सबका सेम है या अलग अलग है? अलग अलग वैरायटी है, अलग अलग वैरायटी है। गर्दन का अलग मसाला, छोटा कलेजी का अलग मसाला। अच्छा, इनका अलग अलग मसाला। इन सब चीजों का तो एक ही मसाला होगा? इन का एक मसाला। अच्छा, इसका और छोटा कलेजी का अलग अलग मसाला। और क्या क्या प्राइस है? चेस्ट पीस 180 का, ठीक है, लेग 130 का, ठीक है, ड्रमस्टिक 70 की, ड्रमस्टिक 70 रुपए की, चिकन विंग 60 का, गर्दन 40 की, पोटा 10 का, कलेजी 20 की, दिल 5 का। और दिल 5 का दे रहे हैं भाई। और अभी जो है हम जहाँ से अभी हमने शवारमा खाया उसके बिल्कुल ये सामने बैठे हुए हैं तभी माजिद फिश पॉइंट साहिवाल से। माजिद फिश पॉइंट साहिवाल से। तो ये सारी हैं भाई, क्या खाओगे साउथ भाई? भाई मैं तो ड्रमस्टिक खाऊंगा और विंग्स, सीधी सी बात। भाई मैं खुद भी ड्रमस्टिक खाना पसंद करूंगा। और हाफ फ्राई पड़े हुए, हाफ फ्राई अभी, और अभी ये फुल फ्राई करेंगे। दो या तीन बना दो आप। भाई खाना हमारे पास आ गया है, हमने कोई रोटी छोटी नहीं मंगवाई, ऐसे ही खाएंगे, जरा माहौल बना लें। पहले से डाला है नींबू, पहले नींबू डाल लिया मैंने ताकि मजा आए खाने में। पहले क्या ट्राई करता हूँ? ये विंग्स, ये विंग्स है, विंग्स है, ये फ्राइड है, गरम है, काफी गरम है। हाँ जी, जैसे हम फिश खाते हैं ना, फिश इसका मसाला वैसे लग रहा है, फिश वाला मसाला लग रहा है, लेकिन अच्छा टेस्ट है, बुरा टेस्ट नहीं है। ओवरऑल टेस्ट क्या था? ओवरऑल टेस्ट अच्छा है, ये इतना बुरा नहीं है। लग हम वही ट्राई करेंगे। ये में देखिए माशाल्लाह, चेक करें, फुल स्पाइसी लग रही है मुझे, गरम बहुत है, अभी तोड़ी नहीं जा रही हाथ से। वो तोड़ के पता लग गया कि कितनी वो सॉफ्ट हुई है, जूसी है, फुल जूसी है। एक होती है ना बिल्कुल खुश्क, वो वाला सीन नहीं है, फुल जूसी है। आपको यहाँ से अंदाजा हो रहा होगा कितनी जूसी है ये। लेकिन इससे ज्यादा मजेदार ना मेरी अम्मी बनाती है। वो तो भाई घर पे वही सीन है ना, घर का खाना कौन मिस करता है। कमाल है। अच्छा ये चीज़ें मैं खाता नहीं हूँ, गर्दन और ये पोटे वगैरह फिलहाल टेस्ट कर रहा हूँ। ये है जी गर्दन है, चिकन की गर्दन है, गर्दन नहीं है, गर्दन है, कलेजी है। हाँ सॉरी, कलेजी है, कलेजी ये कलेजी है। देखो मुझे ना खाता नहीं हूँ ना, नाम भी नहीं पता। नहीं
मैं खाता नहीं हूँ, अजीब सा टेस्ट लग रहा है, मुझे अच्छी नहीं लगती। आप ट्राई करो जी। मैं टेस्ट करता हूँ कैंडी। ऊपर से ना ये क्रिस्पी क्रिस्पी और अंदर से बड़ा सॉफ्ट है, जूसी। ये खुद पता लग रहा है जूसी का। ये देखो बहुत जब भी आए यार मुल्तान, जो भी आए ये ट्राई जरूर करना, बहुत अच्छा। ये है कोटा, ये आपको पता है टूटता नहीं, ये रिपोर्ट है। नमक और मिर्च की थोड़ी सी कमी है, थोड़ी सी। अगर थोड़ा और ज़्यादा स्पाइसी होता तो बहुत मज़े होता। अभी इसमें इसके ऊपर नींबू और वो मसाला भी डाला है ना, मसाला भी डाला है, फिर भी इसमें नमक की थोड़ी कमी है। कमी है। और क्या था? विंग्स, कलेजी। ये कलेजी बड़ी थोड़ी सी नमक और मिर्च की कमी है उसमें, बहुत हो गया। ट्राई करते हैं विंग्स। विंग्स का बोतल कौन सी पी है भाई? ड्यू कोक ले आओ, कोक ले आओ, दो कोक ले आओ। ये है जी विंग्स, ये भी मजे का लग रहा है मुझे। अंदर से आपको भी पता लग रहा जूसी है, दो एक वाइब्रेंट टेस्ट आ रहा है, बहुत अच्छा टेस्ट आ रहा है हर चीज का, मिसालों का। तो अभी ये खाते हैं, अभी बाद में मिलते हैं आपसे इंशाल्लाह खा के। तो जी खाना शाना हमने खा लिया है, रिव्यू आपके सामने आपको दिया है। टेस्ट अच्छा था, लेकिन जो मैंने आपको पहले बात की थी कि यार जो केज कोटा और कलेजी थी ना, उनमें थोड़ा सा नमक और मिर्चों में थोड़ी सी कमी थी। अदरवाइज जो वो था ड्रमस्टिक थी और विंग्स थे, उनमें बहुत ज़्यादा टेस्ट और जूसी थे बहुत ज़्यादा। और शवारमे का मैं तो कहता हूँ मुल्तान में इस जैसा शवारमा नहीं मिलता। मैंने शदीब को भी कहा था, वो कैमरे के पीछे भी, वो भी आपको बता देंगे यार वैसे ही टेस्ट अच्छा है शवारमे का। तो ये थी आज की वीडियो, इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि यार लोकल फूड को कवर करें। बाकी सदैव आपको बता देगा यार क्या सीन। तो यार हमारा जो प्लान है वो इंशाल्लाह अब यही है कि हम लोकल स्ट्रीट फूड को कवर करें, ताकि नए नए फ्लेवर हम भी चेक करें और आप लोगों को बताएं कि मुल्तान में क्या क्या चीज़ मिलती है। और इंशाल्लाह मुल्तान से जब बाहर जाएंगे तब भी आप लोगों के लिए ब्लॉग ज़रूर बनाएंगे। तो चैनल को यार सब्सक्राइब कर दें और अपना सपोर्ट ज़रूर दें। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक ले इजाज़त है, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।